अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इस लेक्चर में 8.4 और 8.5 के हम टॉपिक डिस्कस कर लेंगे क्या चीज है, फिर हम इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर्स में हमने 8.3 का डिटेल इंट्रोडक्शन देखा था, डिटेल बातें पढ़ी थी। जरा 8.4 का मेन टॉपिक देख लेते हैं। जो 8.4 है ना, उसमें आप बोलते हो बायनोमियल सीरीज, मतलब बायनोमियल थ्योरम का नाम नहीं है, बायनोमियल सीरीज का नाम है। और सवाल है कि इसको बायनोमियल सीरीज कहते हैं, हालांकि अप्लाई वही बायनोमियल थ्योरम ही आप कर रहे हो। तो याद रखो, मैथ के अंदर कुछ सीरीज होती है, बहुत मशहूर सीरीज है, मतलब जनरल फॉर्म होती है, किसी भी फंक्शन की आप वो वाली सीरीज निकाल सकते हो। जैसे एक होती है टेलर सीरीज, अभी टॉपिक फेडरल के हैं, सिंध बोर्ड में नहीं है, आप कहते हो टेलर सीरीज। फिर एक होती है मैकलॉरिन सीरीज, इसी तरीके से जनरल फॉर्म जो है इनकी, उसको आप कहते हो पावर सीरीज। तो सीरीज जो आप नॉर्मली यूज करते हो ना मैथ के अंदर, वो इन्फिनिट होती है। जो भी सीरीज आप नॉर्मली, जैसे इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज थी आपकी, इन्फिनिट थी ना वो, तो ये जो सीरीज का वर्ड नॉर्मली बोला जाता है ना मैथ के अंदर, तो वो नॉर्मली अगर आप ये जितनी है ना टेलर सीरीज, मैकलॉरिन सीरीज, ये इन्फिनिट सीरीज है। दैट्स व्हाई यहां पे इसको सीरीज इसलिए बोला है, क्योंकि यहां पे एक इन्फिनिट सीरीज बन रही होगी। जो बायनोमियल थ्योरम है वो भी सीरीज ही है ना, ऐड कर रहे थे, लेकिन फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होती है, खत्म हो जाती है, यहां पर खत्म नहीं होगी बात, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ये सीरीज का वर्ड इसके लिए बोला जाता है। तो ये वर्ड डिफरेंट था, मैंने बता दिया, अप्लाई बायनोमियल थ्योरम ही कर रहे हो, लेकिन इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स है, दैट्स व्हाई इसको हम सीरीज बोल लेते हैं। वैसे तो सीरीज का मतलब होता है ऐड करना, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया ना टेलर सीरीज, मैकलॉरिन सीरीज, पावर सीरीज, इसी तरह ये इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स है इसके अंदर ऐड हो रही है, दैट्स व्हाई इसको बायनोमियल सीरीज कह देते हैं। अब सवाल है कि जरूरत पड़ क्यों रही है यार। देखो, जो आपने बायनोमियल थ्योरम पढ़ा था, देखो बायनोमियल थ्योरम आपने ए और बी की फॉर्म में पढ़ा था, लेकिन मैंने आपको इस फॉर्म में बताया था 1 + x की पावर n, इस फॉर्म में मैंने आपको बायनोमियल बताया था। तो ये क्या था, 1 + nx प्लस एन एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, करते 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 आपकी जनरल टर्म क्या थी, एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस आर। ये मैं 8.3 में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, आर फैक्टोरियल एक्स की पावर आर, ठीक है। और अब तो अभी चलता जा रहा है, अब देखो उसकी कोई आखिरी टर्म नहीं है, मैंने आखिर डॉट 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 लगा दिया, कोई आखिरी टर्म नहीं है। क्यों आखिरी टर्म नहीं है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना, ये आप अप्लाई उस वक्त करोगे जब आपके पास एन जो है एन इज नेगेटिव और फ्रैक्शनल। क्या अगर आपके पास कोई नेगेटिव पावर हो, नेगेटिव फ्रैक्शनल भी, मतलब दोनों कंबाइन भी हो सकती है, नेगेटिव फ्रैक्शन आ जाए, -1/3 -5/3, कहने का मतलब अगर कोई नेगेटिव पावर हो -3 -2.1 उसकी तो फ्रैक्शन फॉर्म है ना, तो अगर कोई आपके पास फ्रैक्शन आ जाए, या नेगेटिव फ्रैक्शन हो पॉजिटिव फ्रैक्शन हो, कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर ना हो या नेचुरल नंबर ना हो, बायनोमियल थ्योरम जब यूज करते थे ना, वो नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर के लिए यूज करते थे। तो दैट्स व्हाई कॉम्बिनेशन वाली फॉर्म आप यूज करते थे, वो थोड़ी आसान होती है लिखना, क्योंकि कॉम्बिनेशन में एन जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर ही होता है, नेचुरली होता है। लेकिन अगर एन नेगेटिव हो, फ्रैक्शनल हो, तो फिर वो कॉम्बिनेशन वाली बात अजीब होगी ना। तो दैट्स व्हाई आपने कॉम्बिनेशन को, मैंने वहां पे 8.3 में सॉल्व करके इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था। इसमें अगर आप n नेगेटिव पुट करो, इसमें n अगर आप फ्रैक्शनल पुट करो, यहां पे ऑकवर्ड नहीं है, यहां पे n आप कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन कॉम्बिनेशन के फॉर्म में था, दैट्स व्हाई आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो बायनोमियल सीरीज में होता ही है बच्चों कि n आपका नेगेटिव होता है, कभी कभी फ्रैक्शनल होता है, या कभी नेगेटिव फ्रैक्शन आपके पास आता है, कुछ भी आपके पास लिखा हुआ है। तो अब जो नंबर ऑफ टर्म है वो खत्म नहीं होती। अच्छा, रीजन क्या है कि यार यहाँ पे इनफाइनाइट क्यों आ रही है, ये क्या रीजन है कि जिसके तहत आपके पास यहाँ पे इनफाइनाइट आ रही है, बायनोमियल में इनफाइनाइट नहीं आती थी, क्योंकि बायनोमियल में चीज खत्म हो जाया करती थी। फॉर एग्जांपल 5C0 से आप स्टार्ट हुआ, 5C1 पे जाओगे, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, खत्म, आगे नहीं जा सकते, आखिरी टर्म में 5C5 है। और अगर इस फॉर्म में आप बात करो, मतलब उन कोएफिशिएंट को अगर आप सॉल्व करो, तो यहाँ पे ज्यादा अच्छे तरीके से बात समझोगे कि जैसे तीसरी टर्म में आ रहा है n(n-1)/2 फैक्टोरियल, चौथी टर्म में क्या होगा कोएफिशिएंट, बायनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा 3 फैक्टोरियल, ये चौथी टर्म है। फॉर एग्जांपल अगर n की पावर 4 है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि 1 + x^4, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए चलो क्यूब कर लेते हैं, बात आपको समझ आ जाएगी। तो होगा क्या, जब आप इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, सबसे पहले 1 + nx मैं जनरल फॉर्म में लिखता हूं, n(n-1)/2 फैक्टोरियल x^2 प्लस n(n-1)/n-2)/3 फैक्टोरियल x^3, ये चीजें बन रही होंगी। और आगे फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो कि अगली भी मैं लिख लेता हूं, तो अगली भी लिख लेते हैं, n(n-1)/n-2)/n-3)/4 फैक्टोरियल x^4, और चलती जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो कि सर ये खत्म क्यों हो रही है, वो क्यों नहीं हो रही, तो उसकी रीजन मैं आपको बता रहा हूं। अब जब आप n की वैल्यू पुट करोगे, तो यहां पे क्या होगा, ये हो जाएगा 1 + 3x
ये हो जाएगा यहाँ पे 3 पुट करो और 3 माइनस 1 2, तो ये 3 मल्टीप्लाई 2 ये चीज बननी होगी। यहाँ पे क्या होगा 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, तो ये होगा 3 2 1 एक्स क्यूब। अगर यहाँ पे आप n पुट करोगे देखना क्या होगा, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 3 0, आपके न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा, आपकी टर्म खत्म हो जाएगी यहाँ पे। इससे अगली टर्म जो है वो भी 0 हो जाएगी। कैसे? क्योंकि अगली वाली टर्म में ये आ रहा होगा कि n माइनस 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल x की पावर 5, तो अगेन n माइनस 3 वाली टर्म तो होगी ना उसके अंदर भी, और n माइनस 3 0 कर देगा क्योंकि n की वैल्यू हमने 3 पुट की होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पावर पॉजिटिव होती थी तो ये चीज जो है वो खत्म कर देती थी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। अगर पावर नेगेटिव है तो ये खत्म हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल यहां पर पावर माइनस 3 पुट कर दो तो कभी खत्म नहीं होगी, ये हो जाएगा माइनस 3x, माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 क्या होता है माइनस 4, तो ये हो जाएगा माइनस 4, और चीज बढ़ती जाएगी, खत्म ही नहीं होगी। खत्म तो होती है जब वो डिक्रीज होना स्टार्ट हुई है, मतलब आप डिक्रीज कर रहे होते हो ना, तो अगर कोई नेगेटिव नंबर है उसको डिक्रीज करोगे तो जीरो आएगा ही नहीं। माइनस 1 को अगर डिक्रीज कर रहे होगे तो माइनस 1 डिक्रीज होते 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 कभी जीरो नहीं आ रहा होगा। हाँ, अगर 2 को डिक्रीज करोगे तो 2 जीरो आ जाएगा, 2 1 और फिर 0 आ जाएगा। तो दैट्स व्हाई ये जो है ना नेगेटिव हो या फॉर एग्जांपल फ्रैक्शनल हो, फ्रैक्शनल 1 अपॉन 2 है, पावर फॉर एग्जांपल यहां पे 1 अपॉन 2 आ रही है, 1 अपॉन 2 को डिक्रीज करते रहो कभी खत्म ही नहीं होगा। 1 अपॉन 2 में से 1 माइनस करो माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, फिर माइनस 1 करो माइनस 3 अपॉन 2 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन हो जाए या नेगेटिव की पावर हो कभी खत्म नहीं होता, आपके पास इनफाइनाइट आवर होता है। ठीक है, तो ये रीजन है यहां पे आपको इनफाइनाइट मिलती है। अब सवाल ये है कि अगर आपके पास एक इन्फिनिट सीरीज गिवन है तो क्या उसका सम निकालना पॉसिबल है नहीं? बाइनोमियल थ्योरम में तो आपने सीरीज का सम निकाल लिया था क्योंकि वो फाइनाइट होती थी, तो आप आसानी से ऐड करके सम निकाल सकते थे। अगर जस्ट उसके अंदर कोफिशिएंट्स हैं, मतलब कोई वेरिएबल नहीं है, जस्ट नंबर्स देखे हुए ना, 1 2, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आपके पास देखा 1 + 2 की पावर 5, इस पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करो, वैसे तो आप 3 की पावर 5 कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसे बाइनोमियली अप्लाई करोगे तो उन सब टर्म्स को भी ऐड करोगे तो आपके पास सम आ जाएगा, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, और इन केस अगर आपके पास 1 + x की होल पावर क्यूब है, फॉर एग्जाम्पल आपने इसको एक्सपेंड किया, आपके पास x आ रहा होगा, अगर मैं बोलूं x की कोई वैल्यू पुट करो, तो जब आप x की वैल्यू पुट करोगे ऐड करोगे आपके पास सम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें होगा 1 3x प्लस 3x स्क्वायर होगा 3x प्लस x क्यूब, ये सिचुएशन बन रही होगी 1 + x का होल क्यूब। मैं आपको बोलूं x की वैल्यू 1 पुट करो, आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे सम करोगे आपके पास सम आ जाएगा, लेकिन क्या यहां पे पॉसिबल है? नहीं, यहां पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है भाई, पॉसिबल कहां से होगा, कहां कहां पुट करोगे? इनफाइनाइट यहां पे खत्म हो जाती है, यहां पे खत्म नहीं होती, इनफाइनाइट मेनी टर्म्स है इसके अंदर। तो दैट्स व्हाई इसमें सम तो पॉसिबल ही नहीं निकालना। अब क्या करें हम, सम तो नहीं आ सकता, तो फिर हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि आप एक काम करो, आप टर्म्स को डिक्रीज करते जाओ। ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर में मैंने अभी तक बताया है आप लोगों को, चैप्टर नंबर 6 में इनफिनिट ज्योमेट्री सीरीज के अंदर, वहां मैंने बताया था कि ज्योमेट्रिक सीरीज का सम उसी वक्त पॉसिबल है जब आर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 है। इन अदर केस, मतलब अदर लैंग्वेज में आप इस तरह भी लिख सकते हो कि अगर कॉमन रेशियो 1 और माइनस 1 के दरमियान है तो आपकी टर्म्स डिक्रीज होती जाती है वक्त के साथ साथ, तो उनका इंपैक्ट बहुत कम पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं 1, अब मैं 10 से, यहां पे कॉमन रेशियो जो है ये 1/10 है, तो नेक्स्ट टर्म होगी 1/10, फिर 1/100, फिर 1/1000, और इस तरह चलती जाएगी, इनफाइनाइट तक जा रही है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा यार इसकी अगली टर्म जो है क्या उसका वाकई कोई इंपैक्ट है, लाइक इसका आंसर होगा 0.01, जो इसकी अगली टर्म होगी उसका आंसर होगा 0.001, क्या कोई इंपैक्ट है उसका इतना? क्या कोई हमारे सम में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर रही है? वो नहीं पैदा कर रही। तो आप कहोगे यार बाकी टर्म को गोली मारो, इन्हीं को डिस्कस कर लो, 4 को पिक कर लेते हैं, दैट्स इट। अगर अप्रोक्सीमेट आपने मालूम करना, अगर एक्चुअल मालूम करना तो आप फॉर्मुला यूज करते थे a / 1 - r, क्योंकि अभी अप्रोक्सीमेट भी आप करोगे ना, तो कहने का मतलब अगर अप्रोक्सीमेट आपने वैल्यू मालूम करनी है तो आप बोलोगे यार शुरू की 4 टर्म पिक कर लो, क्योंकि अगली टर्म इतना आपको डिफरेंस पैदा नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि यहां पे कॉमन रेशियो बहुत छोटा है। और अगर आपने एक्चुअल मालूम करना होता था तो एक्चुअल मालूम करने का भी फॉर्मूला होता था, आप क्या करते थे, आपको पता था कि जैसे टर्म्स डिक्रीज होती जा रही है होती जा रही है, एक वक्त आएगा कि वो आपके ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे वो, तो फिर आपने सम का फॉर्मूला ये बनाया था a / 1 - r। तो दो बातें आपने यहां से सीखी कि अगर आप इनफिनिट सीरीज का सम निकालना चाह रहे हो तो उसमें शर्त यह है कि उन टर्म्स को आपने डिक्रीज करवाना है, अगर वो टर्म इंक्रीज होती जाएंगी तो उनका सम निकाल ही नहीं सकते आप। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास टर्म्स ये हो 1 2 4 8, अब इसकी अगली टर्म जो उससे भी बड़ी है, आप ये नहीं कह सकते कि यार शुरू की 5 का सम कर दो आपका आंसर आ जाएगा, नहीं, इसके बाद टर्म बहुत बड़ी है, 32 है वो,
तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर टर्म डिक्रीज हो रही है तो सम निकालना आपके लिए पॉसिबल होगा। इवन अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप निकाल लोगे, एक्चुअल सम ना भी है, आप कहोगे एक्चुअल सम गया तेल लेने, आप जो अप्रोक्सीमेट है वही निकाल लो, वही आपका काम चल जाएगा। 19-20 का फर्क होगा, 8.5 में आप अप्रोक्सीमेट निकाल रहे होगे तो आप कहोगे यार अप्रोक्सीमेट चल जाएगा बात, एक्यूरेट भी निकाल रहे तो हम उसके लिए हम यूज कर लेंगे टेक्निक। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हो अगर नंबर ऑफ टर्म आपकी खत्म होती जा रही है। अगर नंबर ऑफ टर्म डिक्रीज नहीं हो रही तो इनफिनिट का सम आप नहीं निकाल सकते। इसी चीज को आप बोलते हो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट सीरीज वो होती है जिसका सम रुक जाए, मतलब नंबर ऑफ टर्म इतनी छोटी होती जाए कि उसका सम जो है किसी कोई एक वैल्यू आ जाए उसकी। और एक होती है डाइवर्जेंट कि वो बढ़ती जाती है। इसमें सम पॉसिबल नहीं है। आप 100 टर्म भी कंसीडर करो, जो 100 के बाद वाली टर्म होगी वो और बड़ी होगी, तो सम किसी एक वैल्यू पर रुकेगा नहीं, सम बढ़ता जाएगा। तो इनको आप कहते हो डाइवर्जेंट। और एक होती है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट क्या होती है, जो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाए और एक वक्त आए कि आप जब उनको ऐड करो तो ऑलमोस्ट आपको एक सम मिल जाए उसको, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आपके पास इन्फिनिट सीरीज कन्वर्जेंट हो, ये आपको हर जगह नजर आई होगी लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन आपको किसी ने दी नहीं होगी। वो ये है कि एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। मतलब कोई एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन का मतलब कि एक्स जो है वो -1 और 1 के दरमियान होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में 1 और -1 के दरमियान होगा तो आपकी सीरीज छोटी होती जाएगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये आपने इन्फिनिट सीरीज लिख ली पूरी, पहले में एक्स फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लो एक्स 0.5 है, दूसरी टर्म में क्या होगा 0.5 का स्क्वायर, तीसरी टर्म में क्या होगा 0.5 का क्यूब, चौथी टर्म में क्या होगा 0.5 की पावर 4। आप जरा 0.5 की पावर 4 निकालो तो कैलकुलेटर में, तो देखो कितना आंसर छोटा होता जा रहा है। 0.5 की पावर 4 आंसर हो रहा है 0.0625। टर्म्स आपकी छोटी होती जा रही है, तो सोचो 0.5 की पावर 10 क्या होगा, 0.00097, और छोटी होती गई है। तो कहने का मतलब है कि शुरू की 100 टर्म लोगे तो कितनी छोटी होती जाएंगी, वक्त के साथ आपकी नंबर ऑफ टर्म छोटी होती जाएंगी और आपके पास सम पॉसिबल हो जाएगा। और अगर आप अप्रोक्सीमेट निकालना चाह रहे हो तो आप शुरू की 3-4 टर्म ही पिक करोगे, आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लोगे, क्योंकि आपको पता है उसके बाद जो चेंज है वो बहुत छोटा छोटा चेंज है, तो आप अप्रोक्सीमेट भी आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट निकालने के लिए आप 2-3 टर्म पिक करोगे, लेकिन वही पिक करोगे उसी कंडीशन में पिक करोगे जब एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 है, वरना पिक करने का कोई फायदा नहीं, अप्रोक्सीमेट आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे शुरू के 3 टर्म पिक करने के बाद अप्रोक्सीमेट आ सकता है नहीं, ठीक है। तो एक तो अप्रोक्सीमेट वाली कहानी मैंने आपको बता दी जो 8.5 की है, पहले से आपने सीख ली। और दूसरी कहानी मैंने आपको क्या बताई है कि अगर आपने पूरी चीज का सम निकालना है, एक्चुअल सम की बात कर रहा हूं, तो वो उसी वक्त निकलेगा जब ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी। अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी तो फिर आप सम नहीं निकाल पाओगे। अच्छा बच्चों, उसके बाद कुछ बुक वाले डिस्कस किए हैं केसेस। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आ रहा है 1-x की पावर एन के केस है, या आपके पास आ रहा है 1-x की पावर -n, या रहा है 1+x की पावर n, नहीं -n। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे पावर फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रैक्शनल है, पॉजिटिव पावर है लेकिन को फ्रैक्शनल कंसीडर करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव है। अच्छा, इसमें दोनों नेगेटिव है, इसमें ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, तो उन्होंने ना इसके फॉर्मूले अलग अलग से बनाए हैं पूरे, तो मैं वो आप लोगों को फॉर्मूले करवाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? अगर इस टाइप के सवाल होंगे ना तो आप ये वाला यूज कर लेना, इसको यूज करने में क्या मसला है, कोई मसला नहीं है। आप सिंपल यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाली सिचुएशन आ रही है तो आप इसको इस तरह लिख देना 1+-x की पावर है, और जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां पे क्या पुट कर देना, -x पुट कर देना। इसी तरह अगर इस सिचुएशन में देखो इसको आप किस तरह लिखोगे, अगेन इसको इसी तरह लिखना, ठीक है, बस पावर यहाँ पे क्या -n, तो जब ये अप्लाई करोगे ना n की जगह पे पुट करना -n, x की जगह पे पुट करना -x, तो एक ही फॉर्मूला यूज करो, आपको अलग अलग याद नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस टाइप की कोई भी सिचुएशन आए आप आसानी से उनको मालूम कर लोगे, आपको कोई नई चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक सवाल ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 11 आई गेस 8.4 का, उससे मैंने एक चीज यूज करवाई भी है क्योंकि उसका एक हमें फायदा होगा, ठीक है। तो वो मतलब इस पे मैंने अप्लाई किया है 1+x की पावर -n पे मैंने अप्लाई किया है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें मैंने ये चीज अप्लाई करूंगा मैं, तो दैट्स व्हाई आपको मैं बता देता हूँ। इसमें एक छोटी सी मॉडिफिकेशन करेंगे जो हमें क्वेश्चन नंबर 11 में फायदा देगी, और वो मॉडिफिकेशन आपको वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है लेकिन उस सवाल में आपको जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो कि आप इसमें क्या करो, जो बाइनोमियल है ना इसमें एन की जगह नेगेटिव पुट करो और देखो आंसर क्या आ रहा है। तो 1 एन की जगह पे नेगेटिव पुट करो तो ये हो जाएगा -nx, इसी तरह यहां पे एन की जगह नेगेटिव पुट करो ये हो जाएगा -n, फिर यहां पे नेगेटिव पुट करो -n-1/2 × x², फिर तीसरी टर्म में क्या होगा -n -n -1 -n -2
डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल x क्यूब, और चलती जाएंगी चीजें। कहने का मतलब यह है कि अगर n नेगेटिव है तो मैंने हर जगह n नेगेटिव पुट कर दिया, उसके बाद क्या होगा, हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स। अच्छा अगर आप इसको गौर से देखो यहां पे माइनस एन माइनस एन माइनस वन, इसको जरा देखते हैं, माइनस एन को अपनी जगह पे रहने दो, इन दोनों टर्म से माइनस कॉमन लो तो ये हो जाएगा एन प्लस वन, ठीक है। ये वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो जाएगा, तो आपके पास पीछे क्या बचेगा, एन मल्टीप्लाई एन प्लस वन, मतलब ये चीज बच रही होगी, ठीक है, एक्स स्क्वायर। इसी तरह अगर इस पे आओ, यहां से माइनस कॉमन लोगे और ये वाला माइनस आपस में पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन यहां से जो माइनस कॉमन लोगे वो अपनी जगह पे मौजूद होगा, तो इन दोनों से माइनस कॉमन लो तो ये हो जाएगा एन एन प्लस वन, जब यहां से माइनस कॉमन लोगे तो वो यहां पे आएगा, ठीक है, और कॉमन लेने के बाद ये क्या हो जाएगा एन प्लस टू, थ्री फैक्टोरियल। तो बच्चों ये अगर आप इस सीरीज को देखो, अगर आप इस सीरीज को और मतलब और से देखो, तो यहां पे अगर पावर नेगेटिव आ रहा, वैसे आपने हर क्वेश्चन में यूज नहीं करना, मैंने बताया अगर किसी सिचुएशन में सवाल इस टाइप का आ रहा है, फॉर एग्जांपल 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन 2, तो आपको ये यूज नहीं करना, आप इस फॉर्मूले में डायरेक्ट एन की जगह माइनस 1 अपॉन 2 पुट कर देना, आपको जरूरत नहीं यूज करने की, लेकिन एक सवाल में आपको हेल्प करेगा, दैट्स व्हाई मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये वाला कॉन्सेप्ट भी होता है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में देखो, अगर आप पावर यहां पे नेगेटिव पुट करो ना, तो जो आपके पास बाइनोमियल आ रही है उसमें जैसे इसमें होता ना एन एन माइनस वन एन माइनस टू, इसमें उल्टा हो रहा है एन एन प्लस वन एन प्लस वन एन प्लस टू हो रहा है, तो इसकी जो जनरल फॉर्म होगी वो क्या होगी, जनरल फॉर्म क्या होगी ये बता दो, माइनस वन की आर पावर कहां से, एन एन प्लस वन, फिर होगा एन प्लस टू, और जैसे जनरल टर्म में ये वाली चीज कैसे आती थी, आप माइनस करते थे आर माइनस वन को तो ये चीज आती थी, अब आप क्या करो, आप प्लस करो तो क्या हो जाएगा एन प्लस आर माइनस वन डिवाइडेड बाय वही आर फैक्टोरियल एक्स की पावर आर। तो जनरल टर्म बस मुझे बतानी थी, क्योंकि जनरल टर्म मैं क्वेश्चन नंबर 11 में यूज करूंगा, तो मैंने कहा आपको पहले से बता दूं, क्वेश्चन नंबर 11 में ये वाली चीज यूज करना मजा नहीं आएगा, इसमें एन नेगेटिव पुट करना, तो बेहतर है आप यहीं पे एन नेगेटिव पुट कर दोगे, और जो मैं कॉन्सेप्ट है यहीं पे बता दूंगा आप लोगों को। तो ये जनरल टर्म होगी इस वाली की, माइनस वन की पावर आर का मतलब ये है कि आपको पता है कि पहले टर्म में आर जीरो होता है, तो माइनस वन की पावर जीरो क्या होती है, पॉजिटिव, ठीक है, तो पहले टर्म के साथ पॉजिटिव आ रहा है, दूसरे टर्म में आर वन होता है ना, तो माइनस वन की पावर वन क्या होती है, नेगेटिव, तो दूसरे के साथ नेगेटिव आ रहा है, तीसरे के साथ पॉजिटिव आ रहा है, क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू टू होती है, माइनस वन की पावर टू पॉजिटिव। कहने का मतलब ये है कि अगर जो भी टर्म होगी, फॉर एग्जाम्पल जो चौथी टर्म है उसमें नेगेटिव आ रहा है, क्यों, क्योंकि चौथी टर्म में आर की वैल्यू थ्री होती है और माइनस वन का क्यूब नेगेटिव होता है। इसी तरह जो जनरल टर्म है, अब आपको नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल छठी टर्म होगी, तो छठी टर्म में आर की वैल्यू क्या होती है, फाइव, तो माइनस वन की पावर फाइव नेगेटिव, इसका मतलब छठी टर्म के साथ नेगेटिव आ रहा होगा, तो दैट्स वाई साइन के लिए आपने यहां पे माइनस वन की पावर आर लिखा हुआ है, बाकी वही जनरल टर्म का फॉर्मूला है, बस हल्की पुल्की कंपनसेशन इसके अंदर की है, ठीक है बच्चों। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, उसमें जब आप डायरेक्ट पुट करोगे ना, तो यहां पे मसला होगा, तो दैट्स वाई मैं ये वाली चीज को यूज करवाऊंगा आप लोगों को, तो दैट्स वाई मैंने पहले से, क्योंकि वहां पे जब कॉमन लोगे ना, मतलब जब नेगेटिव पुट करोगे कॉमन लोगे, वो चीज मुश्किल होगी समझने के लिए, तो दैट्स वाई ये वाली सीरीज हम यूज करके ना, डायरेक्ट जनरल टर्म जो वहां पे यूज करके अपना मकसद पूरा कर लेंगे। तो 8.4 है बच्चों, मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया क्या टॉपिक है इसका, बुक ने आखिरी दो तीन सीरीज लिखी हुई है उनको जरा समझ लेते हैं, जैसे चार सीरीज जो बुक ने मेंशन की है, एक है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस वन, दूसरी है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस टू, या चलो एक साथ करवा लो तो जो याद हो सकती है ये, फिर होगा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस टू, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस टू, इस टाइप की चार उन्होंने डिस्कस की है। तो अगेन यार इन पे आप बाइनोमियल थ्योरम लगा दो, कोई नई चीज नहीं है इनको करने के लिए, हो जाएगा 1 एन यहां पे नेगेटिव है ना, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, एन 1 है मतलब माइनस 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स, फिर दूसरी टर्म क्या होती है एन, एन यहां पे माइनस 1 है, एन माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा माइनस 1 माइनस 1 ये माइनस 2 होगा, माइनस 2 को माइनस 1 से करो ऊपर 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल तो आपके पास एक्स स्क्वायर आ रहा होगा। तीसरी टर्म में जब होती ना, तीसरी टर्म क्या होती है एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, देखना आंसर माइनस वन आ रहा होगा, जब आप एन की वैल्यू माइनस वन पुट करोगे ना यहाँ पे, तो देखना आंसर माइनस वन आ रहा होगा, तो माइनस आ जाएगा, और तीसरी टर्म में कोफिशियंट क्या हो जाएगा, मतलब तो है तो चौथी टर्म, तीसरी टर्म में गलती से बोल रहा हूँ, चौथी टर्म में, तो इसमें माइनस एक्स की आ जाएगा। तो आप ऑब्जर्व करोगे जब आप इसे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करोगे ना, तो ये पैटर्न चल रहा है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब चलता जाएगा। जनरल टर्म में इसकी चलो बताता हूं आप लोगों को,
जब इसको सॉल्व करोगे ना ही अप्लाई करना, तो आपके पास सब पॉजिटिव आ रहे होंगे। सिंपल लैंग्वेज में याद रख लो कि अगर ये दोनों सेम साइन है ना तो आपके पास पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, इसका जब निकालोगे सेम बाइनोमियल अप्लाई करना है इसके ऊपर, तो आपके पास आ रहा होगा 1 -2x + 3x² - 4x³ + एक तो आपको नजर आ रहा है कि ऑल्टरनेटिव साइन है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। दूसरी चीज, कोफिशिएंट 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। अच्छा, पहले x की पावर 0, फिर x की पावर 1, फिर x² फिर x³, इस तरह आप याद कर सकते हो। और अगर ये दोनों पावर सेम हो जाए तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये चार सीरीज हैं, बुक वालों ने डिस्कस की नहीं है। अच्छा, मैंने जनरल टर्म में बुक वालों ने डिस्कस की भी है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे सबसे पहली बात, पहली वाली में अगर आप देखो ना, पहली और तीसरी में साइन का बड़ा मसला है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे मैंने यहां पे चीज बताई थी ना -1 की पावर आर, यहां पे भी एक्चुअली यही आएगा -1 की पावर आर। क्यों? क्योंकि पहले टर्म में आर क्या होता है, जीरो, तो -1 की पावर जीरो पॉजिटिव, तो पहले टर्म के साथ पॉजिटिव आ रहा है। दूसरी टर्म में आर क्या होता है, 1, -1 की पावर 1 नेगेटिव, तो देखो दूसरी टर्म के साथ नेगेटिव आ रहा है। तीसरी में आर 2 होता है, -1² पॉजिटिव, दैट्स व्हाई तीसरी में पॉजिटिव आ रहा है। तो जो इसकी जनरल टर्म है वो 10वीं हो, 20वीं हो, 50वीं हो, कुछ भी हो, तो आर के हिसाब से आप, फॉर एग्जांपल अगर 50 टर्म है तो 50 में आर क्या होता है, 49, -1 की पावर 49 नेगेटिव होता है, तो 50वीं टर्म के साथ नेगेटिव आ जाएगा और एक्स आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आर होता है वही एक्स की पावर है। जैसे आर यहां पे 0 था ना, तो एक्स की पावर 0 थी। आर यहां पे 1 था दूसरी टर्म में, तो एक्स की पावर 1 है। तीसरी टर्म में आर 2 था, तो एक्स की पावर 2 है। तो जो जनरल टर्म होगी उसमें जो आर होता है ना, अगर आर 5 है, बेशक वो छठी टर्म है, लेकिन उसमें एक्स की पावर 5 ही होती है, तो जो आर होता है वही एक्स की पावर होती है। सेम कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी होगा, -1 की पावर आर, लेकिन यहां पे एक्स की पावर आर नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करो यहां पे कोफिशिएंट 1, 2, 3, 4 ये चलते हुए आ रहे हैं, सिंपल एक्स नहीं है उनके साथ, एक्स की पावर आर के साथ और भी आ रहे हैं। मतलब एक्स की पावर आर तो होगा होगा, क्योंकि इसमें एक्स की पावर 0, इसमें एक्स की पावर 1, एक्स का स्क्वायर, वो पैटर्न तो जो ऊपर था ना एक्स के साथ, तो वो चलता आ रहा है, लेकिन एक्स के साथ यहाँ पे नंबर भी लिखे हैं 1, 2, 3, 4, इनको आप कैसे लिखोगे? साइन के लिए आपने -1 की पावर आर लिख दिया, एक्स की पावर के लिए आपने एक्स की पावर आर लिख दिया, लेकिन 1, 2, 3 के लिए आप क्या करोगे? सिंपल आप एक काम करो, आप लिख दो r+1। r+1 क्यों? क्योंकि देखो इसमें r की वैल्यू 0 होती है ना, तो 0+1 1 आ रहा है। इसमें r की वैल्यू 1 होती है, तो 1+1 2 आ रहा है इसके अंदर। तीसरी टर्म में r की वैल्यू 2 होती है, तो 2+1 3। तो अगर हर टर्म में देखो ना r+1 कोफिशिएंट है उसके साथ, अगर तीसरी टर्म है तो उसमें r2 होगा, तो 2+1 3 आ रहा है। तो इस फॉर्म में आप r+1 कर सकते हो। तो जो फॉर एग्जाम्पल 50 टर्म होगी, तो 50 टर्म में r क्या होगा, 49, तो पहली बात नेगेटिव आएगा, x की पावर 49 और 49+1 50, मतलब जो नंबर ऑफ टर्म है ना वही कोफिशिएंट होगा। मतलब अगर नंबर ऑफ टर्म 5 है तो यहां पे 5 आ रहा होगा, नंबर ऑफ टर्म 50 है तो यहां पे 50 होगा, तो दैट्स व्हाई r+1 है। r+ भी वही होता है ना, अगर n 50 है तो r 49 होता है, 49 में 1 ऐड करो दोबारा 50 हो जाएगा। मतलब r+1 और नंबर ऑफ टर्म, मतलब n और r+1, ये बराबर ही होते हैं ना आपस में, इस तरह आप समझ लो, इस तरह बात समझ आ जाएगी। और अगर इन दोनों का क्या होगा, देखो इनके लिए -1 की पावर r की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही है, तो इनके लिए पॉजिटिव ही आप लगाओगे। इसकी जनरल टर्म क्या होगी, इसकी जनरल टर्म x की पावर r होगी जैसे ऊपर था, और इसकी जनरल टर्म क्या होगी, r+1 की पावर x, मतलब x की पावर r, नेगेटिव के लिए कोई जरूरत नहीं है आपको। तो बच्चों यही 8.4 का टॉपिक है, ये आप यूज कर रहे होगे। बाकी एक और तो टॉपिक भी है कि नेगेटिव टर्म आप किस तरह मालूम करते हो, वो जब मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन करवाऊंगा इंशाल्लाह, उसी वक्त मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब जरा 8.5 पे जल्दी से आ जाओ, छोटी सी बातें, मैं पहले कितनी बातें डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से। तो सबसे पहली बात, 8.4 के बाद लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेशंस। आप बाइनोमियल सीरीज की एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन क्या, अप्रोक्सीमेशन, आप आसानी से अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। क्यों और कब कर सकते हो? जब x की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 है, जब आपका x 1 और -1 के दरमियान है, छोटा है, तो जब आप उसका स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे ना, तो वो और चीज छोटी हो जाएगी। तो अगर उसकी हायर पावर को निगलेक्ट कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना, क्योंकि आपको बस अप्रोक्सीमेट निकालना है ना। तो आप उसकी शुरू की 3-4 टर्म पिक कर लो, शुरू की 3-4 टर्म पिक कर लो, वही जो आंसर आपको दे रहे होंगे ना अप्रोक्सीमेटली वही आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि उसके बाद वाली टर्म इतनी छोटी होती जाएंगी ना, उनका इतना इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। लेकिन ये उसी वक्त पॉसिबल है जब ये चीज लेस देन 1 हो, तभी आप कर सकते हो। और आपको पता है बाइनोमियल सीरीज में आप इसको लेस देन 1 कंसीडर कर रहे होते हो। तो
ये आप उसी वक्त करोगे जब एक्स लेस देन वन है एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी। तो शुरू की तीन चार ट्रम पिक करो हायर पावर्स को। हायर पावर नॉर्मली आप स्क्वायर मतलब शुरू की दो ट्रम ही ज्यादातर पिक कर रहे होते हो, किसी सिचुएशन में तीन पिक कर लेंगे और बाकी हायर पावर को हम निग्लेक्ट कर देंगे, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा। ये चीज उन्होंने लिखी हुई है कि वी सी दैट द ट्रम्स प्रोग्रेसिवली गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर इन सच अ केस टू गेट एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द एक्सपेंशन वी मे ओमिट द ट्रम्स कंटेनिंग स्क्वायर्स एंड हायर पावर ऑफ एक्स। तो अब खत्म करके आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन जो है वो है समीशन ऑफ सीरीज। होगा ये कि आपके पास एक सीरीज गिवन होगी, जैसे आप पेज नंबर 291 पे आओ ना, तो एग्जांपल नंबर 1 में ना आपके पास एक सीरीज गिवन है। अब इसको सम कैसे करोगे? नॉर्मली आप सीरीज को सम उस वक्त करते हो ना जब आपको कोई जनरल टर्म पता हो, जैसे कि जनरल टर्म ये है, मतलब आप जनरल टर्म को बना लोगे ऐड कर लोगे, कोई पैटर्न आपको नजर आ जाता है। तो होता है कि आपके पास एक रैंडम सीरीज गिवन है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं बोर्ड के ऊपर सीरीज एग्जांपल नंबर 1 में डिस्कस की हुई है 1 + 1 upon 3 square 1 multiply 4 1 multiply 2 multiply 1 upon 3 की power 4 1 multiply 4 multiply 7 1 multiply 2 multiply 3 1 divided by 3 की power 6। अब मैं आपको बोलूं उसको सम करो, कैसे सम करोगे? और मैं एक्चुअल सम की बात कर रहा हूं, अप्रोक्सीमेट की बात नहीं कर रहा। शुरू की तीन चार टर्म पिक कर लो, वो बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि आपने इसको वाकई में सम करना, मतलब पूरी इन्फिनिट सीरीज का, क्योंकि डिक्रीज होती जा रही है ना ये। तो जैसे आप इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का था, क्या उसकी शुरू की तीन टर्म पिक करते थे? शुरू के टर्म उस वक्त ही पिक करते हो जब आपको अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए होता है। मैं अभी एक्चुअल आंसर आपको कह रहा हूं, तो एक्चुअल आंसर फाइंड करने के लिए आप फॉर्मुला यूज करते थे ना उसमें, तो इसी तरह कोई फॉर्मुला हो, कोई चीज हो ना जो आप इसके लिए यूज करो। अब ये तो रैंडम सीरीज है, आप कैसे इनको सॉल्व करो, कैसे सम निकालोगे? तो बायनोमियल थ्योरम रेस्क्यू करने आएगा। आप क्या करोगे, आप इसको कंपेयर करोगे बायनोमियल थ्योरम से और एन और एक्स की वैल्यू निकालोगे। फॉर एग्जांपल इस वाले केस में आपके पास एन आ रहा है -1/3 और एक्स आ रहा है -1/3। जैसे आपके पास एन और एक्स आ जाए, अब आपको पता है बायनोमियल थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है। बायनोमियल थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड होती है 1 + x की पावर n। तो एक्स की वैल्यू पुट करो, एक्स क्या है -1/3 और n क्या है, n है यहां पे -1/3। तो बड़ा सॉल्व इजी करना है इसको, सॉल्व करो 3 × 1 = 3, 3 - 1 = 2, हो जाएगा 2/3 और इसकी पावर -1/3। इसको तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई मसला नहीं है इसमें। बुक वालों ने कितना सिंप्लीफाई किया। हाँ, इसको क्यूब रूट के फॉर्म में आप लिख सकते हो। ये जो माइनस एन है इसको कंपनसेट इस तरह कर सकते हो कि -2 के ऊपर भी है 3 के ऊपर भी है, तो 2 को नीचे ले जाओ 3 को ऊपर ले आओ, ये हो जाएगा 3/2 की पावर 1/3। अगर नेगेटिव आया है ना तो आप फ्रैक्शन को अगर इस तरह कर दो, उल्टा कर दो, तो उस नेगेटिव को आप इग्नोर कर दोगे। तो इस वाली चीज को आप कैसे लिख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ 3/2। तो अभी देखो इसके लिए सम निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब हमने बायनोमियल के जरिए से सिंपल मालूम किया कि इस पूरी चीज का सम जो है वो उसके बराबर है, और ये कैलकुलेट करना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी एक सीरीज गिवन है, और मैं इन्फिनिट सीरीज की बात कर रहा हूं, तो अगर आपने उनको ऐड करना है और वो भी जल्दी में ऐड करना है आपने, और एक्यूरेट आपको आंसर चाहिए, तो आप उसको आइडेंटिफाई करते हो यूजिंग बायनोमियल, और उसके बाद आसानी से आप उसको सॉल्व कर लेते हो। अच्छा, मैं एक यहाँ पे एक चीज बता दूं, बस आखिरी चीज है 8.4 की मेरे जहन में आ गई है। ज्यादातर जब आप इन्फिनिट सीरीज देखते हो ना, तो उसमें होता है कि पहले टर्म को आप वन कर रहे होते हो। मैंने बताया था आसानी होगी 8.4 में, मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये वन ही क्यों करते हो? नॉर्मली बायनोमियल थ्योरम आप ए प्लस बी के फॉर्म में याद करते थे, तो उसमें आप वन क्यों कर रहे होते हो? तो मैं एक रीजन बता देता हूँ आप लोगों को, मुझे समझ आई थी तो मैंने कहा आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ वो। तो फॉर एग्जाम्पल ये 285 पेज पे एक एग्जाम्पल है, 2 - x की पावर -3। अगर आप यहाँ पे वन नहीं करना चाह रहे इसको और सिंपल बायनोमियल थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई कर दो, तो बायनोमियल थ्योरम क्या होता था? सबसे पहले मैं जो बायनोमियल थ्योरम आपने याद किया था ना कॉम्बिनेशन वाला, उसमें कॉम्बिनेशन की जगह जो वेरिएबल्स की पावर थी ना वही करते हैं कि सबसे पहले 2 की पावर मैक्सिमम होती है, तो 2 की पावर -3 होगी और कोफिशिएंट 1 होता। दूसरे में अगर आप याद हो तो कोफिशिएंट n होता है। मैं कोफिशिएंट ये वाले ले रहा हूं और जो जनरल फॉर्म में वो मैं बायनोमियल वाले ले रहा हूं कि a डिक्रीज होता था p बढ़ता था। कोफिशिएंट आप ये ले लो क्योंकि n नेगेटिव है ना, तो उस कॉम्बिनेशन वाला यूज ना करो। तो कोफिशिएंट यहां पे n होता है, n यहां पे क्या है -3, ठीक है। और फिर क्या होता था a की पावर n -1, a है 2 की पावर -3, 1 कम करो ये हो जाएगा -4, और b की पावर बढ़ाओ, b यहां पे क्या है -x, तो यहां पे -x आ जाएगा, मतलब -x की पावर 1 लिखो या ऐसे लिखो। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगी, n - 1 / 2 factorial। अच्छा, इसमें अब मजीद कम कर दो, ये हो जाएगा 2 की पावर -5 - x का स्क्वायर, और इस तरह आप बढ़ा देते हो।
तो कहने का मतलब है कि अगर आप इसमें ऑब्जर्व करो, जो जब पावर हमारी पॉजिटिव होती थी ना, तो आपकी पूरी एक्सपेंशन में कुछ कॉमन नहीं आता था। कॉमन इसलिए नहीं आता था क्योंकि जैसे ये टू, फॉर एग्जांपल आपके पास टू का क्यूब होता था ना, फिर टू का स्क्वायर, ना सिंपल लैंग्वेज में जब आपके पास कहने का मतलब ये है कि ए बी होता था, तो ए की पावर डिक्रीज होती जा रही थी ना। अगर पहले ए फाइव है तो फिर ए फोर होगा, ए थ्री होगा, ए टू हो जाएगा। आप कुछ कॉमन ले सकते ना, लेकिन यहां पर कॉमन ले सकते हो। अगर आप इन सब में देखो, इन सब में टू की पावर माइनस थ्री कॉमन आ रही है, टू की पावर माइनस थ्री, इसमें भी टू की पावर माइनस थ्री है, इसमें भी टू की पावर माइनस थ्री है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो, तो आप अपने लिए मुश्किल क्यों बना रहे हो? आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो उनको, आप कॉमन लेके कर लो, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आप क्या करते हो, इसको इस तरह सॉल्व नहीं करते। आप शुरू में टू को कॉमन ले देते हो, क्योंकि आपको पता है टू की पावर माइनस थ्री कॉमन आ रही होगी ना, तो आप क्या करते हो, आप इस तरह कर देते हो, आप इसमें से टू कॉमन लो। जब पहली टर्म से टू कॉमन लोगे, यहाँ पे वन बचेगा। अच्छा, आप एक्स के अंदर टू नहीं आ रहा, ये मैं जबरदस्ती का कॉमन ले रहा हूं। तो जब आप जबरदस्ती का कॉमन लेते हो ना, तो जो भी चीज आप कॉमन ले रहे हो उसे डिवाइड कर दो इस तरह। कहने का मतलब टू को वन से करो, दोबारा टू आ जाएगा। टू को माइनस एक्स अपॉन टू से करो, टू से टू कैंसिल, दोबारा माइनस एक्स आ जाएगा। तो इस चीज को आप इस तरह भी लिख सकते हो, जब जबरदस्ती का कॉमन लेते हो उस चीज से आप उसको डिवाइड करो। उसके बाद टू के ऊपर माइनस थ्री पावर है, जगह टू की पावर माइनस थ्री, और वन माइनस एक्स अपॉन टू के ऊपर माइनस थ्री आ जाएगा। अब ये करने से फायदा ही हुआ कि 2 की पावर माइनस थ्री कॉमन है, जो आपको पता था यहाँ पे हर टर्म के साथ आ रही थी, आपकी कैलकुलेशन को बढ़ा रही थी। तो अब 2 की पावर माइनस थ्री को आराम से साइड पे रखो, और इस पे आप लगा दो बाइनोमियल, और इस पे आप ये वाली चीज लगा दो। मतलब पहली वाली चीज को वन कर लोगे ना, तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। जो चीज कॉमन आ रही होगी ना, वो ऑलरेडी आपके पास कॉमन आ जाएगी, और अब आपके लिए बाइनोमियल बड़ी ईजी हो जाएगी। मतलब आप लिखोगे वन एन एक्स यहाँ पे है माइनस एक्स अपॉन टू, तेरा बाकी लिखोगे तो सिचुएशन थोड़ी अब आपकी इजी हो जाएगी। दैट्स व्हाई बाइनोमियल सीरीज जो इनफिनिट है ना, आप देखोगे इसमें स्टार्टिंग जो पहली चीज होती है उसको आप वन ले रहे होते हो, और अगर वन नहीं है तो आप वन इस तरीके से बनाते हो, सही है। तो ये रीजन मुझे समझ आई है, तभी आपको जब भी इन्फिनिट का फॉर्मुला मिलेगा वन प्लस एक्स के फॉर्म में मिल रहा होगा। तो ये रीजन मेरे जहन में आई है। तो बच्चों 8.4 8.5 सबके कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में बता दी, चार पांच वीडियोज में बाइनोमियल की मैंने मतलब बेड़ा गर्क कर दिया, हर चीज छोटी 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 बता दी, जो इसके बाद आपको मसला नहीं होगा। तो अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।